So hello, good morning. So today is our day 7th and we are going to Gulmarg. आज हमारा 7वां दिन है विजिट का और हम लोग निकलने वाले हैं गुलमर्ग के लिए थोड़ी ही देर में. देखते हैं सब रेडी हो गए हैं और मज़े करने के लिए वापस तैयार हैं. कल वापस हमारी फ्लाइट है श्रीनगर से भोपाल के लिए. तो आज जितने मज़े कर रहे आज कर लीजिए, ये फिर पता नहीं मज़े कब मिल पाए. बीवी जी आ चुकी हैं, कैसा लग रहा है आपको आज आखिरी दिन है? छः दिन कैसे रहे आपको? Fabulous. और आज कहाँ चल रहे हैं हम लोग? पता है, हाँ गुलमर्ग गंडोला राइड. चलो आपको मिलाते हैं क्यारा से भी. हाँ भाई, हाँ तो आज आप लोगों का डे 7th है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत हम टायर्ड हो चुके हैं पर फिर भी जुनून कम नहीं हुआ है क्योंकि आज हमारी सोनम दीदी सबसे पहले तैयार हो चुकी है. हमारे पहले चीजों सबसे पहले 7:30 बजे नीचे उतर भाई चुके भाई जो बैट लगी थी 7:30 की तो यार अब आना ही था, लेकिन कुछ लोगों ने फॉलो नहीं किया उस वजह से थोड़ा सा ये है कि 4 लोग अभी भी बिस्तर में ही है. नहीं तो ये क्या है, रेडी हो गए ना वो लोग? जैसे यहाँ के लोग कहते हैं कि सब उंगलियाँ बराबर नहीं होती, तो हम एग्जांपल अपने ग्रुप में भी देख सकते हैं. ये जो उंगली है ये बराबर बिल्कुल नहीं होती है, लोग बोलते हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं. बट भरपूर मजे किए हमने अभी तक. आज हम 7वें दिन भी हम बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हमारी लेडीज को देख सकते हैं आप. ये हमारे जीजू की करवाई येलो पोचू टोपू पोपू पहना है, पोचू दिया है येलो वाला और बहुत अच्छी. ये देखिए हमारी लंदन से आई हुई डायरेक्ट, ऑल द वे फ्रॉम लंदन. माय गॉड, बढ़िया हम दो देसी लोंडे एकदम छपरी. हमारे बच्चे कहाँ है? इधर देखो विशु, हाय 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 हाय, इधर आओ, हाय गौरी, ये हेलो. कैसा फील कर रहे हो गौरी आप? मजा आ रहे हैं आपको? पिंटू भला आपका. चलो मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे, आपको बताएंगे कि कैसा नज़ारा है और क्या है वहाँ पर नई चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए और क्या चीज़ अच्छी लगी. अभी तक तो काफ़ी मज़ा आया है, होप सो आगे भी बिल्कुल ऐसे ही मज़ा आता रहेगा. थैंक यू सो मच. और अभी हम बैठने वाले हैं गंडोला राइड्स. सेकंड फेज में चार बस कहीं नहीं गया. नहीं रहता है कोई भी विंटर में, पूरा खाली रहता है. ये शिमला बस आ जाते हैं रजौरी, तो वो भेड़ बकरी वगैरह लेके आता है. अगर इस एरिया की बात करें यहाँ पे शाम को आ सकता है सोनो लेको. अच्छा, यहाँ पे आ सकता है? बहुत कम चांसेस हो गए ना अभी. नहीं नहीं, जब दिन में नहीं आता है, दिन में यहाँ पे पब्लिक वगैरह एक्टिविटी इतना है इसलिए. हाँ वो बारिश वगैरह यहाँ पे बहुत ज्यादा एरिया आता है. जो भी आप देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ फिलहाल, निकाल देता हूँ वीडियो. हाय कृषु, कृषु हाय. अल्टीमेट, दैट इज कॉल्ड द जन्नत ऑफ लाइफ कश्मीर. जूम करके दोनों की गाड़ियां चल रही हैं. क्योंकि ये पहला फेज है, दिस इज फर्स्ट फेज. हाँ सभी रोड पे जाता है, कुछ सेकेंड फेज व्हिच इज ऑलमोस्ट देयर. आई कांट टेल यू इन वर्ड्स क्यों क्या है. This is really called जन्नत दोस्तों. आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये जगह सिर्फ फिल्मों में भी मतलब देखी नहीं है एक्चुअली.
इमेजिन भी नहीं करी थी कि ऐसी जगह भी होती है, और ऐसा लगता था कि ऐसी जगह सिर्फ विदेशों में होती है, बट ये विदेश नहीं है, अपना देश है। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, गजब की खूबसूरती, गजब की एक्टिविटीज, गजब के एडवेंचर। अभी हम लोग गंडोला राइड का फेज वन हमने कंप्लीट किया है, फेज टू और ऊपर है, वो जा रहा है फेज टू। कोशिश करेंगे फेज टू में भी जाए, अभी टिकट्स अरेंजमेंट चल रहा है, गए हैं भाई लोग टिकट्स अरेंज कर रहे हैं, ऐसी अरेंज आती है तो सेकंड फेज में भी जाएंगे। बाकी अनबिलीवेबल, गजब। देखिए नज़ारे, देखिए सब सितारे बदले जा रहे हैं। अल्टीमेट जगह यहाँ पर, ये हम लोग गंडोला राइड के सेकंड फेज में है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है जैसे स्विट्जरलैंड में हम लोग, बट स्विट्जरलैंड नहीं है, अपना इंडिया है। इंडिया क्या है अपना? इंडिया, कश्मीर, इंडिया है। और जो हम अभी जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये 20,000 स्क्वायर फीट ऊपर है, 14,800 स्क्वायर फीट ऊपर है समुद्र तल से, विच इज आई थिंक हाईएस्ट गंडोला राइड ऑफ कश्मीर एंड इन इंडिया आल्सो, इंडिया की सबसे ऊंची चोट, वर्ल्ड की नहीं, वर्ल्ड की नहीं, आई थिंक वर्ल्ड में दूसरा भी होगा, और भी ये पता करना पड़ेगा थोड़ा सा, बट ये बहुत अल्टीमेट है। और देखिए थोड़ा सा, देखो गैप है वहां पे, ध्यान देना। अरे हां, तुम सास से तो ये जो टिकट मिली है हमें सेम प्राइस पे, हम लाइव से पहले वाले, हम थोड़े ज्यादा प्राइस, मैंने इसको जो नहीं पिना है, हाय हाय हाय, फ्री ओनली फाइव, अभी तो हमको ठंडी लग रही है, ये फाइव हफ्ते भाई, ये क्या है एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा हमें, तो ऐसा लग रहा है आसमान को पार करके हम लोग यहाँ पर आ गए, और अब कान एकदम सुन्न से होने लगे हैं हम लोगों के, और ये बहुत ऊंचाई पर है, बिलीव मी, यहाँ पर परिंदा भी पर नहीं मार रहा, और यहाँ रोप पे पहुँचा है, तो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। तो कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा मेरे अलावा? गौरव, बहुत 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 अच्छा लग रहा है, अंदर से लग रहा है, बाहर से कैसा लग रहा है? बाहर से भी अच्छा, अंदर से भी अच्छा। कियारा, और गजब की चीज है, बस ऊपर जाने की थोड़ी सी, जन्नत की राह पे ही चल चुके हैं हम, मुझे वहां दिख रहा है क्या व्यू है, मैं अपनी हसीन कटा के आ रहा हूं। गौरी, वही बोल रहा हूँ यार, पीछे भी देखो अभी। अब सोनम क्या कहना चाहोगी तुम? जो हम बोलते थे कि, जो हम बोलते थे कि वी आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आज ऐसा लग रहा है सही में टॉप ऑफ द वर्ल्ड। Jago, you are in Kashmir.